आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस का सियासी मंथन, यूपी में सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। पवित्र नदियों पर स्नान के लिए भीड़, मकर संक्रांति पर्व की धूम। प्रधानमंत्री मोदी और मनमोहन सिंह आए साथ नजर, मोदी ने कहा गुरु गोविंद सिंह ने देश को जोड़ा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निशाने पर रमन सिंह, कहा वो उद्योग चलाने वाले मुख्यमंत्री थे। और हिमाचल में हुई फिर बर्फबारी, बर्फबारी ने कई इलाकों में बढ़ाई ठंड। नमस्कार, मैं हूं ऋतु, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति पर कल मनाया जा रहा है, लेकिन आज सुबह से पवित्र नदियों में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मकर संक्रांति पर्व काल आज देर रात से शुरू होगा। सूर्यदेव के उत्तरायण होने का पर्व मकर संक्रांति मां नर्मदा की नगरी होशंगाबाद में परंपरागत भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पर्व पर नर्मदा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का नर्मदा नगरी होशंगाबाद में आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ज्योतिषों के मुताबिक मकर संक्रांति पर्व काल आज देर रात से शुरू होगा, लेकिन परंपरा अनुसार सूर्योदय के साथ ही श्रद्धालुओं के नर्मदा घाटों पर आने का सिलसिला लगातार जारी है। मान्यता है कि वर्ष भर में 12 संक्रांति आती है, लेकिन मकर संक्रांति इनमें विशेष महत्व रखती है। सूर्यदेव के उत्तरायण में आने के उपलक्ष्य में इस पर्व को मनाया जाता है और इस दिन से विवाह आदि मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। आज जो है मकर संक्रांति रात्रि में 2:12 पर अर्की होगी। इसका विशेष पुण्यकाल कल सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहेगा और मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश होने के कारण मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। आज ही के दिन भीष्म पितामह ने अपने शरीर से देह त्यागी थी और आज विशेष पर्व इसलिए है कि तीर्थराज प्रयाग में जो अर्धकुंभ है उसके कारण इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। संक्रांति को जो है नदियों में नहाने से जो है पूर्ण फल प्राप्त होता है और नर्मदा जी का विशेष जो है महत्व है, इसलिए यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर और दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाते हैं। संक्रांति पर्व पर पुण्य नदी तीर्थ में स्नान दान से जाने अनजाने किए पापों से मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति पर्व सामाजिक सरोकारों का पर्व भी है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है और सभी श्रद्धालु इस दिन अपनी क्षमता अनुसार दान धर्म कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। संक्रांति पर तिल दान का विशेष महत्व होता है। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने यूपी के गठबंधन कर 78 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सपा बसपा के गठबंधन के बाद रविवार को लखनऊ में कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक हुई। इसमें गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर समेत अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि कांग्रेस यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुलाम नबी आजाद ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और चौंकाने वाले नतीजे लाएगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी शक्ति के साथ अपनी विचारधारा जो आजादी से पहले थी, गांधी जी के समय से लेकर आज तक जिस विचारधारा का हम पालन करते रहे हैं, उस विचारधारा का पालन करते हुए हम ये इलेक्शन लोकसभा में डट के लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पराजय देंगे। आजाद ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज वे देश के प्रधानमंत्री हैं, उसे कांग्रेस ने आजाद करवाया है। राज बब्बर ने कहा कि कल से आजाद भीड़ यहां नजर आ रही है, यानी अखिलेश मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा लोग यहां मौजूद हैं। सपा बसपा ने लोकसभा की 38-38 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं कांग्रेस को एक तरह से किनारा करते हुए महज 2 सीटें दी हैं। इस पर पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने दुबई से प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और चौंकाने वाले नतीजे आएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर एक साथ नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ के जरिए पूरे देश को जोड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर उन्हें याद किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की याद में एक सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी मौजूद थे। गुरु गोविंद सिंह को नमन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ के जरिए पूरे देश को जोड़ा है। गुरु गोविंद सिंह जी वीरता के साथ धीरता और धैर्य की अद्भुत मिसाल थे। गुरु गोविंद सिंह योद्धा ही नहीं बल्कि एक कवि भी थे। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब करतारपुर के दर्शन दूरबीन से नहीं बल्कि आंखों से कर पाएंगे। साथियों, गुरु गोविंद सिंह जी हो या फिर गुरु नानक देव जी, हमारे हर गुरु ने न्याय के साथ खड़े होने का सबक दिया है। उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज केंद्र सरकार 1984 में शुरू हुए अन्याय के दौर को न्याय तक पहुंचाने में जुटी है। दशकों तक माताओं ने, बहनों ने, बेटे बेटियों ने जितने आंसू बहाए हैं उन्हें पहुंचने का काम, उन्हें न्याय दिलाने का काम अब कानून करेगा। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में रविवार को भारी बर्फबारी हुई। इसके चलते मैदानी इलाकों में लोगों को अभी कुछ दिन और कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। इस बर्फबारी का असर पूरे उत्तर भारत पर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, चंबा व मंडी में भारी बर्फबारी हुई है। पर्यटन नगरी मनाली में करीब 1 फीट बर्फबारी हुई है। इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मनाली में रविवार की रात 2 बजे से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ जो सुबह 9 बजे तक चलता रहा। बर्फबारी के कारण हजारों पर्यटक मनाली और सोलंग नाला वैली में फंस गए हैं। मौसम विभाग के निर्देशक डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि शनिवार रात को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, सिरमौर, चंबा की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी व निचले इलाकों में व्यापक बारिश होने की संभावना है, जिससे प्रदेशवासियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान व अधिकतम तापमान में सामान्य से 1 से 2 डिग्री तापमान में कमी आई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा, रमन सिंह उद्योगपतियों के सरकार नहीं बल्कि खुद ही अपना उद्योग चलाने वाले सीएम थे। बघेल बिलासपुर में राष्ट्रीय उद्योग एवं व्यापार मेले का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। मेले का उद्घाटन करने के बाद भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि रमन सिंह उद्योगपतियों के सरकार नहीं बल्कि खुद ही अपना उद्योग चलाने वाले सीएम थे। सीबीआई वैन मामले पर मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में काफी अंतर है। डॉक्टर साहब की याददाश्त अब कमजोर होती जा रही है। 2012 के गजट पत्र में खुद ही सीबीआई को छत्तीसगढ़ में वैन करने के लिए वो पत्र लिख चुके थे। जनता पार्टी के कथनी और करनी में ये छत्तीसगढ़ की जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी सोच चुकी है। सीबीआई मामले में भी खुद उन्होंने पत्र लिखा था और छत्तीसगढ़ के गजट नोटिफिकेशन में उन्होंने नोटिफाई किया था कि हम यहाँ सीबीआई नहीं चाहते। उसी बात को हमने लिखा तो पलट गए। शायद रमन सिंह जी की स्मृति अब क्षीण होती रही होती जा रही। सीएम बघेल ने कहा कि 2019 में अलग उद्योग नीति के तहत उद्यमियों को लाभ पहुंचाया जाएगा। वहीं संविदा नियुक्तियों को रद्द करने पर तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि संविदा रद्द करने से ही युवकों को रोजगार मिल सकेगा। नगर निगम की लापरवाही से लोगों को झोपड़ी में सर्द रातें काटना पड़ रही हैं। राजनांदगांव में 8 महीने पहले जिन लोगों के घर तोड़े गए थे उन्हें अभी तक आवास नहीं मिल पाए हैं। राजनांदगांव शहर के नगर निगम क्षेत्र के आशा नगर में पक्के मकान का सपना दिखाकर लोगों के मकान निगम प्रशासन द्वारा तोड़ दिए गए थे। इसके बाद ठेकेदार और निगम की लापरवाही के चलते हितग्राही परेशानी का सामना कर रहे हैं। अब तक उन्हें पीएम आवास के तहत बनने वाले मकान नहीं मिल पाए हैं। 60 गरीब परिवारों को पक्के मकान का सपना दिखाकर 8 माह पहले कच्चे मकान तोड़ दिए गए थे। अब इन परिवारों को सर्द रातों में पन्नी की झोपड़ी और खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ रही है। बावजूद इसके प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। 8 महीने बाद भी एक भी मकान बनकर तैयार नहीं हुआ है। उल्टे हितग्राहियों की बैंक पासबुक भी ठेकेदारों ने रख ली है। रीवा पुलिस ने एटीएम से ठगी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास 11 एटीएम कार्ड और सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी बरामद हुई है।
समान पुलिस ने घेराबंदी कर एटीएम बदलकर लोगों से ठगी करने वाले अपराधियों को समान तिराहे के पास पकड़ा है। पकड़े गए युवकों के पास से 11 एटीएम कार्ड, 4 सोने की अंगूठी और 4 मोबाइल सहित 51,000 रुपए बरामद किए गए हैं। एएसपी ने बताया कि समान पुलिस टीम ने युवकों के पास से एक वैगनार कार भी जब्त की है, जिसका उपयोग ठगी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भागने में करते थे। ये फरियादी हैं शिवेंद्र चतुर्वेदी। इन्होंने आकर के थाने पर रिपोर्ट किया था कि एक दिन पूर्व वो जब समान तिराहा पे स्थित यूनियन बैंक का जो एटीएम है, तो वहां पर जब वे पैसे निकालने गए थे, तो वहां पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने इनके साथ धोखाधड़ी करके इनका एटीएम कार्ड बदल दिया। तो मामले को जो है देखा गया और गंभीरता देखी गई, सीसीटीवी फुटेज जो है निकाले गए, साथ ही साथ में जब उनके पासबुक को जो है पूरा कराया गया फरियादी के, तो पता चला कि अज्ञात बदमाशों जिन्होंने कि ये एटीएम कार्ड बदला था, उनके द्वारा एक ज्वेलर के यहाँ पे कुछ खरीदारी और शॉपिंग करी गई। तो वहाँ पर भी जाकर के सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला गया, सभी बदमाशों की स्केच तैयार किए गए और वाइडली सर्कुलेट किए गए। सर्कुलेशन की वजह से और मुखबिरों को लगाने की वजह से फाइनली घेराबंदी कर करके फरियादी जो हैं शिवेंद्र चतुर्वेदी और उनके भाई कृष्ण मुरारी चतुर्वेदी, उनकी ही मदद लेकर के पुलिस के द्वारा तीन उन बदमाशों को पकड़ने में सफलता मिली। समान पुलिस की कार्यवाही में सामने आया है कि एटीएम से ठगी करने वाले सभी बदमाश उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले हैं, जो रीवा व सतना में रहकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इससे पहले ऐसे ही गिरोह का खुलासा मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी हुआ है। संत हिरदाराम नगर में विवेकानंद जयंती के मौके पर स्कूली बच्चे विवेकानंद की वेशभूषा में नजर आए। इस अवसर पर बच्चों ने सूर्य नमस्कार भी किया। स्वामी विवेकानंद जयंती पर साधु बासवानी स्कूल में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। यहां स्कूल के बच्चों ने सूर्य नमस्कार किया। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चे स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा में स्कूल पहुंचे। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद राजेश हिंगुरानी, बैंकर्स क्लब के अध्यक्ष गुलाब जेठानी, शिक्षाविद विष्णु गेहानी ने बच्चों को पुरस्कार दिए। वहीं स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर दीपमाला पगरानी संस्कार पब्लिक स्कूल में युवा दिवस मनाया गया। स्कूल के विद्यार्थियों ने स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा में उनके विचारों का बखान किया। ऑल इंडिया जवाहर नवोदय एलुमिनी मीट एवं मैराथन दौड़ का आयोजन भोपाल में हुआ। मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। ऑल इंडिया जवाहर नवोदय एलुमिनी मीट एवं मैराथन दौड़ का आयोजन भोपाल के रविंद्र भवन में किया गया। आयोजन एलिट नवोदयंस के तत्वाधान में किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी विशेष रूप से मौजूद रहे। अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह से सारे नवोदय के जो एक्स स्टूडेंट हैं उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। देश की एकता और अखंडता के लिए एक अच्छा कदम है। और जब पूरे देश में नवोदय के जो विद्यालय हैं, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की सोच थी कि ग्रामीण के बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा मिल सके, तो पूरे देश के एक एक जिले में नवोदय के जो स्कूल हैं खोले गए हैं पूरे भारतवर्ष में। और आज यहाँ सभी स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट यहाँ पर एकत्रित होकर एंजॉय कर रहे हैं। एक मैराथन दौड़ रखी है, एक अच्छा कदम है देश की एकता के लिए। मैराथन दौड़ रविंद्र भवन से शुरू होकर खानू गांव तक गई। शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। मैराथन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वालों को इनाम दिया गया। इस वक्त हम मौजूद है रविंद्र भवन भोपाल में, जहां मैराथन दौड़ कराई गई थी नवोदय एलाइट द्वारा। आइए हम बात करते हैं कुछ नवोदय जिन्होंने पहला स्थान और दूसरा तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे साथ मौजूद है वो मैराथन दौड़ वाले, बताइए आप कौन का स्थान गए? फर्स्ट प्राइज मिला है अभी करंटली कॉलेज आरी भोपाल में पढ़ रहा हूँ और मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ से हूँ, जैनवी महासमुंद से। आपने पहला स्थान प्राप्त किया है इस मैराथन रेस में। जी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं थैंक्स बोलता हूँ इलाइट नॉर्थेंस को, जो इन्होंने इतना अच्छा मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी, ये मैराथन कराया। हमारे साथ और भी मौजूद हैं जिन्होंने सेकेंड स्थान प्राप्त किया रेस में, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी भोपाल से हूँ, सेकेंड स्थान है, थैंक यू नवोदय। आप? मैं दानीराम बरकड़े, जैनवी बर्गीनगर जबलपुर से हूँ, थैंक यू नवोदय। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्थान प्राप्त करने वाले नवोदय से हमारे पास कुछ पास आउट छात्र मौजूद हैं, जिनसे बात करते हैं क्या मैराथन क्या थी और इसमें क्या कैसा रहा ये मैराथन दौड़ का आयोजन, किस लिए किया गया था, क्या एकता का प्रतीक है और ये जो रेस रखी गई थी वो कहां से कहां तक रखी गई थी। जी आप बताइए। ये मैराथन जो है 11 किलोमीटर की टोटल मैराथन थी
और ये जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्रों द्वारा जो है ये आयोजित की गई थी एलाइट नवोदयंस के द्वारा, और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसको और आगे भविष्य तक लेके जाना, क्योंकि धर्म जाति पद भेद रहित हम नवोदयंस हैं और हम चाहेंगे कि पूरी दुनिया पूरा संसार इस एकता के संदेश को देखे और इसको फॉलो करें। जय नवोदय। नवोदय छात्र का कहना है कि जो रेस रखी गई है वो एकता का प्रतीक है, धर्म जाति रहित है ये रेस। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। आयोजन में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। जागृति 2019 नाम से मशहूर इस आयोजन में देश भर के नवोदय से निकले हुए छात्र शामिल हुए और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। आयोजन में छात्रों के साथ साथ नवोदय विद्यालय के शिक्षक भी मौजूद रहे। आज ये भारतीय नवोदय पूर्व छात्र संगठन का प्रोग्राम था जिसमें कि नवोदय पूर्व छात्रों द्वारा मैराथन और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है। ये नवोदय रन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन के लिए आज हमने ये मैराथन रखी है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में रंग जाति धर्म भेद रहित का प्रचार करना है। आज दिनांक 13 जनवरी 2019 को आयोजित मैराथन रेस, एलीट नवोदयंस के द्वारा आयोजित मैराथन रेस को हमारे 3 प्रतिभागियों ने बखूबी पूरा किया है और ये तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं। इसके लिए एलीट नवोदयंस इन तीनों प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देती है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मैराथन, इवन वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मैराथन एंड ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है पूरे नवोदयंस को जोड़ने का। एक्चुअली इट इज नेशनल लेवल मीट, सो ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है। माधव राव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्था के राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधि एवं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने की। राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में विधि एवं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि 8वें दशक में सप्रे संग्रहालय कमला पार्क स्थित आचार्य नरेंद्र देव पुस्तकालय में छोटे से रूप में शुरू हुआ था, लेकिन आज यह संग्रहालय महासंग्रहालय का रूप ले चुका है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि सप्रे संग्रहालय ने भोपाल ही नहीं मध्य प्रदेश को एक पहचान दी है, दुनिया भर से यहां आने वाले शोधार्थी इसी का प्रमाण है। कार्यक्रम में डॉक्टर मंगला अनुजा द्वारा लिखी किताब भारतीय पत्रकारिता नींव के पत्थर का विमोचन भी किया गया। यह जो पुरस्कार मिला है बेहतर समाचार चयन और बेहतर समाचार संपादन और समाचारों की बेहतर प्रस्तुति के लिए जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी की स्मृति में मुझे प्राप्त हुआ है। देखिए, ये पुरस्कार मुझे मेरी उपन्यास के लिए दिया गया है जो दंडकारण्य नक्सलवाद पर केंद्रित पुस्तक थी और उसमें नक्सलवाद को लेकर के उन चीज़ों के बारे में बताया गया जो आमतौर पर लोगों की अवधारणा नहीं होती है। और ये पुरस्कार चूंकि मुझे भोपाल में दिया गया तो व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए प्रसन्नता का विषय यह है कि यहीं से मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, भास्कर पत्रकारिता अकादमी में, और पत्रकारिता की ABCD भी मैंने यहीं सीखी और इसी परिसर में मैंने पत्रकारिता विजय श्रीधर जी से बहुत सारे ज्ञान लिया है और उन सब चीज़ों की वजह से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और निश्चित तौर पर आप ये महसूस करेंगे कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं अगर वही स्कूल आपका सम्मान करता है तो आपको निश्चित तौर पर गौरव का विषय होता है और आपको बहुत प्रसन्नता भी होती है। समारोह में पत्रकार ध्रुव शुक्ला, कमलेश पारे, मनोज पाठक, आलोक पंड्या, हरि अग्राही, नीरज श्रीवास्तव, पुष्पेंद्र पाल सिंह, लेमुअल लाल, अपर्णा खरे, ब्रह्मवीर, प्रवीण पांडे, सीताराम ठाकुर, शरद बघेला और रिजवान खान को भी पुरस्कृत किया गया। पत्रकारजनों को प्रशस्ति पत्र, चरखा, शॉल और लेखनी भेंट की गई। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में इस बार भी गणतंत्र दिवस की परेड नहीं हो पाएगी। जिला प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद स्टेडियम का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। दिग्विजय स्टेडियम मैदान का नवनिर्माण कराया जा रहा है लेकिन अभी तक इस स्टेडियम का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। ठेकेदार और प्रशासन की लापरवाही के चलते इस बार भी गणतंत्र दिवस का समारोह इस मैदान पर आयोजित नहीं हो पाएगा। इस बार भी म्यूनिसिपल स्कूल मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। मैदान भी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है। 2 साल पहले दिग्विजय स्टेडियम के नवनिर्माण के लिए पुराने स्टेडियम को तोड़ दिया गया था। इसके बाद से गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय आयोजन अस्थायी तौर पर म्युनिसिपल स्कूल मैदान में किया जा रहा था। जो एफ ब्लॉक है जिसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना है उसमें काफी समय लग रहा है और वो 2 महीने और लगेंगे उसमें, ऐसी संभावना। बाकी जो ग्राउंड है उसपे अभी समतलीकरण होना बाकी है। पिछली सरकार ने दिग्विजय स्टेडियम का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के हाथों करवा दिया था लेकिन स्टेडियम के भीतर मैदान अब तक नहीं बन पाया है। वहीं प्रशासन द्वारा ठेकेदार को बार बार समझाने के बावजूद काम अधूरा है।
छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि पिछले 15 सालों में भाजपा के अन्याय से तंग आकर लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया है। उन्होंने कहा, जनता से कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वह हर हाल में पूरे किए जाएंगे। बिलासपुर में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा, डॉक्टर रमन सिंह के बदलापुर की राजनीति की बात गलत है। पिछले 15 सालों में भाजपा के अन्याय से तंग आकर लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया है। राजस्व मामले में जयसिंह ने कहा कि अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं, हम राजस्व मामले में पेंडेंसी को कम करने के लिए प्रयासरत हैं। छत्तीसगढ़ में सीबीआई के प्रतिबंध के सवाल पर उन्होंने कहा, कांग्रेस डर नहीं रही है बल्कि भाजपा की सरकार में कांग्रेस के नेताओं को सीबीआई परेशान कर रही थी। सीबीआई द्वारा कांग्रेस के नेताओं को फंसाने का काम किया जा रहा था। सीबीआई का किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करती रही, ये सब आप लोग जानते हैं। आप लोगों ने इस चीज को भरी देखा है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री को किस प्रकार से फंसाने का प्रयास किया गया और नहीं फंसा पाए, और इसी प्रकार बहुत से दूसरे अन्य प्रदेशों में भी कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के मंत्रियों को दिल्ली सीबीआई के माध्यम से फंसाने की कोशिश हुई है, इसलिए सीबीआई को बैन किया गया, बिल्कुल सही किया गया। उन्होंने कहा, भाजपा द्वारा सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और कांग्रेस के नेताओं को फंसाया जा रहा है, इसीलिए प्रदेश में हमने सीबीआई को आने से रोका है। जयसिंह ने एक बार फिर कहा, बिलासपुर के तत्कालीन कलेक्टर पी दयानंद ने अपने कार्यकाल में कवर्धा, कोरबा और बिलासपुर में डीएमएफ फंड का दुरुपयोग किया है, जिसकी फाइल खोली जा रही है। राज्य सरकार इस पर जल्द ही कार्रवाई करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।